सो हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द मार्वल्स मूवी के बारे में, जिसे लेकर अभी कोई भी एक्साइटेड नहीं है। इस मूवी में हमें कैप्टन मार्वल, मिस मार्वल और मोनिका रैम्बो को एक साथ दिखाया जाएगा और ये मूवी मार्वल की अब तक की सबसे छोटी मूवी होने वाली है। हाँ, इसका रन टाइम सिर्फ 1.5 घंटे का होने वाला है, तो ये देखना तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि इतने कम टाइम में ये सब हमें क्या दिखाएंगे। क्योंकि इस मूवी की बेसिक स्टोरी के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमें ऐसा देखने को मिलेगा कि कैप्टन मार्वल, मिस मार्वल और मोनिका रैम्बो में आपस में स्विच कर रहे हैं और इन सब में निक फ्यूरी का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। वैसे अभी इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन को लेकर काफी सारे रूमर्स आ रहे हैं कि इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में एक्समैन से रिलेटेड हमें कुछ देखने को मिल सकता है, जिसमें ऐसा हो सकता है कि हमें किसी फॉक्स यूनिवर्स के एक्समैन के कैरेक्टर को दिखाया जाए। मिस मार्वल सीरीज में हमने जैसा कि देखा था कि यहाँ पर मिस मार्वल को दिखाया जाता है कि वो एक म्यूटेंट है, तो ये तो फिक्स है कि अब एमसीयू में भी म्यूटेंट आने लगे हैं। तो यही दिखाने के लिए इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में एक्समैन को दिखाया जाए, जिससे कि डेडपूल 3 के लिए भी हाइप बन जाएगा, क्योंकि डेडपूल 3 में सारे एक्समैन अपीयर होने वाले हैं। तो इसी से रिलेटेड इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में कुछ ना कुछ तो देखने को मिलेगा। द मार्वल्स मूवी के लिए फैंस उतना एक्साइटेड नहीं है जैसे वो पहले किसी मूवी के लिए रहते थे, और इसमें देखा जाए तो ये मार्वल की ही गलती है, क्योंकि मार्वल यहाँ पर काफी सारे शोज ऐसे बनाने लगे जो कि फैंस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और फैंस यहाँ पर बोलने लगे कि अब एमसीयू से एमसीयू हो गया है। अभी के टाइम पे लुकिस जेंटू ही ऐसा है जो कि मार्वल को बचा रहा है, क्योंकि लुकिस जेंटू में वही हो रहा है जो कि हम देखना चाहते हैं। लेकिन द मार्वल्स के बारे में सबको पहले से ही पता है कि ये एक डिसेंट सी मूवी होने वाली है, जिसमें हमें कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा, तो इसीलिए फैंस इस मूवी के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं है। और हो सकता है कि ये मूवी भी एंटमैन 3 की तरह बॉक्स ऑफिस पे बिल्कुल भी नहीं चले। अब देखो, ये मूवी कैसे भी हो लेकिन इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में एमसीयू की आने वाली मूवीज के बारे में हमें कुछ ना कुछ तो देखने को मिलेगा। और अभी के टाइम पे द मार्वल्स के जितने भी प्रोमोस आ रहे हैं उसमें एक्स वर्ल्ड को काफी अच्छे से दिखाया गया है, या तो हमें यंग एवेंजर्स के बारे में बताया जाए या फिर एक्समैन की किसी कैरेक्टर को दिखाया जाए। वैसे तुम्हें क्या लगता है इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें क्या देखने को मिलेगा, ये कमेंट में जरूर बताना। बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो उसको लाइक करो, और अगर कुछ ज्यादा ही अच्छी लगी होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।